ये विंग्स के डिवाइस है। इसमें तीन स्विच दिया गया है। पहला स्विच है एक ऑन ऑफ, दूसरा टेयर का है। जब हम लोग 0 0 करते हैं तो टेयर बटन दबाते हैं। अभी हम विंग स्केल को ऑन किए हुए हैं और एग्जाम्पल के लिए हम एक मशीन रखे हुए हैं। जो वैल्यू शो करेगा आपका, वही आपका एक्चुअल वैल्यू होगा। इस प्रकार से आपका सही वजन शो करेगा। आगे यूएसबी को हम पॉज डिवाइस के साथ यूएसबी के द्वारा कैसे कनेक्ट करेंगे? अभी यूएसबी केबल को एक साइड विंग स्केल से कनेक्ट कर रहे हैं, जो वीडियो में आप देख रहे हैं। आगे यूएसबी केबल को पॉज डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसके बाद पॉज को ऑन करेंगे। इसके बाद जिस पीडीएस एप्लीकेशन को टैप करेंगे, एप्लीकेशन खुलने के बाद डीलर लॉगिन स्क्रीन पर दिखाई देगा। में टैप करने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। अभी स्क्रीन पर डीलर तथा नॉमिनी का नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। तत्पश्चात आप अपना नाम का चयन कर आयरिस अथवा मैट्रिक का चयन करेंगे। उसके बाद आप अपना आयरिस अथवा बायोमेट्रिक्स का सत्यापन करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा करने के पश्चात आपको मुख्य मेन्यू दिखाई देगा। दिखाई दिए गए मुख्य मेन्यू में राशन का चयन करेंगे। उसके बाद आप राशन संख्या दर्ज करें। दर्ज करने के बाद आगे जाए का बटन का चयन करें। अब दिए गए मंथ कैलेंडर के ड्रॉप डाउन ऑप्शन का उपयोग कर आप लोग पिछला महीना अथवा तत्काल महीने का चयन करेंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद आपको सामग्री की सूची प्रदर्शित होगी। इसके बाद आपको दिए गए स्क्रीन में सामग्री सूची के शेष मात्रा 0 0 दिखाई देगा। उसके बाद आपको लाल रंग में कॉम मोड को टच करना है। उसके बाद आपको यूएसबी को चयन करना है। अब आपको वजन मशीन के माध्यम से सभी शेष मात्रा की पात्रता के अनुसार भरना है। शेष मात्रा भरने के बाद आगे जाएगा चयन करें। तो आपको सामग्री सूची में देय राशि दिखाई देगा। अब आप लाभुक का नाम चयन कर बायोमेट्रिक अथवा आयरिस का उपयोग करना है। अब नगद टच करने के बाद आपको लाभुक का सत्यापन करना है। आपका राशन वितरण सफलतापूर्वक हो गया है। थैंक यू।